भोजपुरी सिनेमा और म्यूजिक इंडस्ट्री के दो दिग्गजों के गानों की भिड़ंत पिछले कुछ घंटों से खूब देखने को मिल रही है। हम बात कर रहे हैं सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और सुपरस्टार राकेश मिश्रा की, जिनका गाना रिलीज के साथ ही वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि लॉकडाउन के बाद राकेश मिश्रा का गाना इस बार लगन में लोगों ने काफी पसंद किया। ऐसी कोई पार्टी या शादी नहीं थी जिसमें राकेश मिश्रा के गाने नहीं बजे। वहीं खेसारी लाल यादव लंबे समय से म्यूजिक इंडस्ट्री से दूर थे, क्योंकि वे अपने एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में लंदन में थे और इस वजह से उनके गाने देखने को नहीं मिल रहे थे। अब जब खेसारी लाल का गाना रिलीज हुआ है तो दोनों के गानों में आमने सामने की टक्कर हो गई है। जी हाँ, खेसारी लाल यादव के सामने दर्शक राकेश मिश्रा को भी बहुत प्यार दे रहे हैं। पिछले दिनों कई सुपर डुपर हिट गाने दे चुके राकेश मिश्रा ने नया गाना ए राजा बदनिया टूटता को रिलीज किया। इस गाने को कुछ ही घंटों में 2.5 लाख से भी ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। जी हाँ, इस गाने को राकेश मिश्रा ने गाया है और इस गाने को भी भोजपुरिया फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। आपको बता दें कि वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर रिलीज इस गाने का लिरिक्स अंगद मंजय गाची और म्यूजिक प्रियांशु सिंह ने दिया है। इसके बाद राकेश मिश्रा ने कहा है कि दर्शकों का प्यार और दुलार उन्हें और अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है। ये गाना मेरे दिल के करीब है और मेरे लिए अच्छी बात है कि दर्शकों को ये गाना इतना पसंद आ रहा है। जी हाँ, वहीं खेसारी लाल यादव ने लंदन से वापस आने के बाद गाना इश्क बनाया और यह स्पीड रिकॉर्ड भोजपुरी पर उन्होंने रिलीज किया। जी हाँ, आपको बता दें कि उस गाने को देखते ही देखते उनके फैंस ने सराखों पर बिठा लिया। जी हाँ, और अभी तक इस गाने को 4.5 लाख से भी ज़्यादा व्यूज मिल चुके हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि इस गाने को खेसारी लाल यादव ने गाया है और लिरिक्स यादव राज और म्यूजिक विनय विनायक ने दिए हैं और गाने को मिले ऑडियंस के प्यार से खेसारी लाल यादव गदगद हैं और इसके लिए उन्होंने अपने फैंस को धन्यवाद भी किया है। जी हाँ, तो आप भी जाइए और आप इन दोनों गाने को ज़रूर सुनिए और हमें बताइए कि आपको कौन सा गाना सबसे अच्छा लगा। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट टाइम भोजपुरिया से सुरभि की रिपोर्ट।